केवल एक कारण था, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कहा कि तुम शमशान में निवास करोगे और मेरे घर के यज्ञ में तुम नहीं आओगे। शंकर जी ने करा क्या था? शंकर जी ने ऐसा काम ही क्या करा था जो उनके ससुर उनसे रूठे हुए थे? केवल एक काम भोलेनाथ जी ने करा था, दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद अपने जमाई चंद्रदेव को रोग काया का रोग दे दिया था और कहा था तेरे शरीर में काया का रोग होगा, तेरा पूरा शरीर गलगल के नीचे गिरेगा, काया का रोग। तेरा शरीर गलगल के नीचे गिरेगा, तेरे शरीर को काया का रोग। चंद्रदेव ने शंकर जी की आराधना करी थी तो शंकर जी ने उसके काया के रोग को ठीक कर दिया। काया का रोग ठीक हुआ तो ससुर को गुस्सा आ गया कि मैंने श्राप दिया और शिव जी ने इसको ठीक कर दिया। मैंने श्राप दिया और शंकर भगवान ने इसको ठीक कर दिया। शंकर उनके दुश्मन बन गए, शिव जी उनके द्रोही बन गए और उन्होंने शंकर भगवान को अपने यहां यज्ञ में नहीं बुलाया। सती माता अकेली गई, कूद कर यज्ञ अग्नि में सती माता ने प्राणों को त्याग दिया। वो हिमालय राज की बेटी माता पार्वती बन गई। खूब तप करा माता पार्वती ने, खूब माता पार्वती तप में इतनी लीन हो गई, एक सूखा पत्ता बेलपत्री का खाकर माता पार्वती जी तप में डूबी रहती थी, इसलिए उनका एक नाम अर्पणा हो गया था। क्योंकि पत्ता खाकर, बेलपत्री के पत्ते को खाकर वो अपना तप साधना करती, उसका नाम अर्पणा हो गया, अर्पणा। कई लोग कहते हैं गुरुजी कहां पर लिखा हुआ है कि बेलपत्री का पत्ता भगवान शंकर का चढ़ा हुआ खाना चाहिए? हम उनसे कहते हैं कि आपका मन पड़े तो कभी उमाखंड को पढ़ना, शिव महापुराण के उमाखंड को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक बेलपत्री का पत्ता खाकर माता पार्वती जी तप साधना में लीन हो जाती थीं और उनका नाम अर्पणा हो गया। जब माता पार्वती जी एक पत्ते के बल पर जीवित रहती थी, तब एक बार नारायण ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि पार्वती को इतनी ऊर्जा कहां से मिल रही है, इतना बल कहां से मिल रहा है कि पार्वती इतनी ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रही है? तब ब्रह्मा जी ने कहा था, पार्वती जी एक बेलपत्री के पत्ते को खाती हैं, उस पत्ते का बल इतना है कि पूरे पार्वती जी के शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, वो बेलपत्री के पत्ते में इतना बल है। अर्पणा है बेलपत्री का पत्ते को पाने वाली माता पार्वती। समय हुआ।